हरे कृष्ण। दोस्तों, कल लेवल पे परचेज़ किया है मैंने इस कंपनी को और ये ब्रेकआउट हो चुकी है। ब्रेकआउट लेवल क्या है जानने के लिए पूरे वीडियो देखे तभी आपको समझ में आएगा कि आखिर मैंने रैलिस ही क्यों चुना है टाटा ग्रुप के खजाने से। तो दोस्तों, एंड तक बने रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा। अगर आपके पास वक्त नहीं है तो वॉच इन लेटर में डाल दीजिए ताकि और आपको सारी इन्फॉर्मेशन्स बाकायदा मिलती रहे। हरे कृष्ण। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल डायनेमिक आरएसआई में। दोस्तों, आपको ये बता के काफ़ी खुशी मिल रही है कि टाटा ग्रुप के जितने भी शेयर्स हैं वो बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि टाटा सेक्टर के ऑलमोस्ट जितने भी स्टॉक्स हैं मैंने अपने वॉच लिस्ट में लगा के रखा है, और सिर्फ टाटा मोटर्स को वॉच लिस्ट में लगा के नहीं रखा है, मैंने इसको अपने पोर्टफोलियो में भी लगा के रखा है। क्योंकि टाटा मोटर्स तो खैर 1000 रुपये के आसपास आ गया है, 700 रुपये से चल करके जब मैंने इसका वीडियो बनाई थी, अगर आप मेरे उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो आप जा कर के मेरे लिस्ट प्लेलिस्ट में देखेंगे, वहाँ पर टाटा मोटर्स पे स्पेशली मैंने वीडियो बनाई थी। और उस वक्त जब ये प्राइस था वो था 700 रुपये के आसपास, और टाटा मोटर्स का जो शेयर है मेरे पास लगभग 250 शेयर्स के आसपास मैंने इसको होल्डिंग में अभी भी बना कर रखा हुआ। सिर्फ टाटा मोटर्स ही नहीं, टाटा स्टील भी मेरे पास है, टाटा पावर भी है, और आज मैं आपको एक ऐसे शेयर के बारे में बताने वाला हूँ जो कल मैंने उसे परचेज़ किया है। जी हाँ दोस्तों, कल मैंने उसे परचेज़ किया, और मैं आपको ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैंने परचेज़ किया है तो आपको भी परचेज़ करना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको बस ये एजुकेशनल पर्पस से एक वीडियो बना रहा हूँ जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ कि किस स्टॉक में अच्छी आपको मोमेंटम मिल सकती है, कौन सा स्टॉक आपको पैसे बना करके देख सकता है, किस मोटिव से रखना है आपको, कितने साल के लिए रखना है, मल्टी बैगर बनेगा या नहीं बनेगा, ये सब का इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ। तो दोस्तों, बहुत देर नहीं करूँगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश करूँगा कि अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके अपना कुछ प्यार दिखाइए, थोड़ा सा साथ दीजिए ताकि हमारा भी ये वीडियोज़ आप लोगों तक, आपके दोस्तों तक पहुँचे, लोगों तक पहुँचे, और उन्हें भी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, भले वो स्टॉक्स के ऊपर हो, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के ऊपर हो, चाहे वो इंडिकेटर्स के ऊपर हो, चाहे मूविंग एवरेजेस के ऊपर हो। तो जिस भी मैटर में इस वीडियोस में बना रहा हूँ वो आप तक पहुँचता रहे। दोस्तों, आज मैं आपको शेयर जो बताने वाला हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरे स्क्रीन पर, मैं उस शेयर का नाम ले रहा हूँ, वो है रैलिस। रैलिस एक ऐसी शेयर है जो अब तक उम्दा परफॉर्मेंस देती आई है और अच्छी रिटर्न भी लोगों को कमा के दिया है इस कंपनी ने। इस कंपनी की ऑल टाइम की, इस स्टॉक की जो ऑल टाइम हाई है वो लगभग 340 के आसपास है, और टाटा ग्रुप के शेयर्स जितने भी हैं वो जिस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, उम्मीद है कि रैलिस भी ऑलमोस्ट अपने हाई को बीट करते हुए दिखाई देगी। तो मैंने एक मंथ का चार्ट लगा के रखा है दोस्तों, आपसे मैं टेक्निकली ही बात करता हूँ। रीज़न ये है कि चैनल का नाम है डायनेमिक RSI, और RSI बेस्ड ही मैं जो भी स्टॉक्स है उसके ऊपर मैं वीडियोस बनाता हूँ और आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। तो जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि रैलिस एक मंथ का जो टाइम फ्रेम है उसमें RSI के अबव है, मतलब मूविंग एवरेज के अबव चल रही है, और 50 का जो लेवल है मार्क उसके भी ऊपर चल रही है, मतलब ये एक अच्छी बुलिश संकेत है कि रैलिस में आने वाले समय में ये और ऊपर जा सकती है। और अभी रिसेंटली आज ही के दिन रैलिस में एक अच्छी ब्रेकआउट आई है, 266 का लेवल जो था इसने ब्रेक किया है, और काफ़ी अच्छे वॉल्यूम से ब्रेक किया है, क्योंकि बीते कुछ दिन पहले इसने 266 का लेवल को क्रॉस किया था बट सस्टेन नहीं कर पाया था। मैं आपको वो दिखाऊंगा, मैं एक दिन के चार्ट पर जाता हूं और आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा कि आप यहाँ पर जो कंसोलिडेशन देख रहे हैं रैलिस के ऊपर, इस जगह में जो आप कंसोलिडेशन देख रहे हैं, ये कंसोलिडेशन है कि रैलिस 260-270 के आसपास क्रॉस कर रही थी, मतलब ब्रीच कर रही थी, लेकिन सस्टेन नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से इसमें वो ब्रेकआउट नहीं आ रहा था। लेकिन आज 266 को अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक करके रैलिस ने एक इंडिकेशन दिया है कि ये 350-400 के आसपास ही जाने के लिए तैयार है। तो टाटा ग्रुप अभी जिस तरीके से परफॉर्म कर रही है उस परफॉर्मेंस को देखते हुए मैंने टाटा ग्रुप से जो थोड़े कम रेट का जो शेयर है और अच्छी वैल्यूएशन में है, मैंने उसको चुनने की कोशिश की है। तो रैलिस इसमें से मेरे पास रैलिस निकल करके आया, और रैलिस को मैंने कल ही शाम परचेज़ किया है, करीबन
ढाई तीन बजे के आसपास मैंने परचेस किया है, और मैंने क्वांटिटी मैं अभी आपको रिवील नहीं करूँगा क्योंकि शायद मैं हो सकता हूँ इसमें इसे मैं और एक्यूमुलेट करूँगा, क्योंकि आज अच्छी खासी ब्रेकआउट आई है। तो आज ब्रेकआउट आई है तो मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप इसे आज ही खरीद लीजिए या कल ही खरीद लीजिए या मंडे को खरीद लीजिए, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहूँगा। मैं आपको यही कहूँगा कि आप अपनी एनालिसिस करने के बाद, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करने के बाद ही आप इसमें अपना पोजिशंस को बना सकते हैं। अगर मैं बात करूँ एक दिन की चार्ट की, तो आप एक दिन में देख पा रहे होंगे कि मूविंग एवरेज जो है वो बाकायदा RSI जो है वो अपने 45 डेज़ के मूविंग एवरेज को टच करके यहाँ पे ब्रेकआउट दे रहा है। और साथ में अगर आप बॉलिंजर बैंड में देख रहे होंगे तो यहाँ पर रैलीज ने 266 को ब्रेक किया था बट सस्टेन नहीं कर पाया था, और वापस से इसने 20 डेज़ के मूविंग एवरेज को, जो बॉलिंजर बैंड का मिड लाइन है, उसको टच करने के बाद इसने एक अच्छी खासी तेज़ी आज दिखाई है। और मैंने कल परचेस किया इस लेवल, इसके क्लोजिंग के आसपास मैंने परचेस किया जो कि लगभग 251 252 के आसपास का रेट था। और आज आप देख पा रहे होंगे, अगर मैं आपको 1 वीक की चार्ट दिखाऊं तो 1 वीक के चार्ट में भी आप देखेंगे कि RSI जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से, अच्छे सपोर्ट जो है वो 45 डेज़ का जो EMA RSI के ऊपर प्लॉट किया हुआ है उसको सपोर्ट कर रहा है। और साथ ही में जो ब्रेकआउट है आप देख पा रहे होंगे 266 के आसपास ब्रेकआउट हो रहा है, मतलब एक अच्छा बुलिश संकेत है रैलीज़ के लिए। तो अगर आप इस पर स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो अगर आपको कल मंडे को 280 के आसपास अगर आपको मिलता है तो आप इसे पोजिशन बना सकते हैं। मैं आपको स्विंग ट्रेडिंग की सलाह नहीं दूंगा रैलीस में, आप इसमें कम से कम साल डेढ़ साल का एक व्यू रखिए, और आप जो बैंक में FDs रखते हैं उस जगह पर आप रैलीस को परचेज करके रख सकते हैं, भले वो आप 50,000 का ही क्यों ना हो, 10,000 का क्यों ना हो, जितना आपके कैपेसिटी हो उसके अकॉर्डिंग ही आप अपना परचेज़ कीजिए। मेरे कहे अनुसार बिल्कुल भी ना करें। हो सकता है कि अगर आप मैं इसमें अच्छी खासी तेज़ी मिले तो शायद आपको 20-25% का रिटर्न साल डेढ़ साल के अंदर में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, मैं वीडियो को लंबा नहीं करूँगा, आपसे यही गुजारिश करूँगा, आपने अगर साहब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें इस स्टॉक की वैल्यूएबल कंटेंट जो है उन तक पहुँचे। तो दोस्तों, इस वीडियो को विराम देता हूँ और आपसे अलविदा कहता हूँ। वीडियो को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।